गुरु प्रकाश, क्या आपको भी आदित्य ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई उम्मीद है? क्या एमवीए से अलग हो सकती है शिवसेना की ये उद्धव वाली गुट? देखिए मानक जी, कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। आपने बिना रोक टोक के बहुत सारे लोगों को समय दिया है, मैं उतना समय नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा समय की आपसे अपेक्षा रखता हूं। थोड़ा बहुत मैं पढ़ता लिखता रहता हूं और शिक्षक हूं, तो मुझे पता है कि कौन विद्यार्थी तैयारी करके आता है, कौन विद्यार्थी तैयारी नहीं करके आता है। और अक्सर जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं राहुल जी की, वो चर्चा तैयारी करके नहीं आते हैं, और अवैध जी ने अच्छी तैयारी की है, वो दिखा हम लोगों को। देखिए गांधी जी और सावरकर के बीच में क्या संबंध था, ये चर्चा हुआ है, और एक शोध के नाते हमें यह चर्चा करनी चाहिए कि आपने प्रारंभिक प्रबोधन में मानक बहुत अच्छी बात कही थी, समाज सुधारक वाला पक्ष, सावरकर एक समाज सुधारक कैसे हैं? अब रत्नागिरी में मंदिर प्रवेश को लेकर के आंदोलन हो रहा है, जो अनुसूचित जनजाति जाति के लोग हैं उनको भी मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए, इसके लिए सावरकर आंदोलन करते हैं, तो क्या सावरकर की आलोचना होनी चाहिए? महात्मा गांधी और सावरकर इस विषय पे प्रसंग कर रहे हैं, इस विषय पे शास्त्रार्थ कर रहे हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये महादेव देसाई कह रहे हैं अपनी एक चिट्ठी में, एक वैसी चिट्ठी एमआर जयकार लिख रहे हैं जिसमें वो बता रहे कि गांधी जी ने तारीफ किया है सावरकर का कि उन्होंने समाज सुधार की दिशा में कुछ कदम उठाया है। नंबर एक। नंबर दो, आपने जिक्र किया इंदिरा गांधी जी का, रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया, भारत का एक विशिष्ट बेटा, ऐसा इंदिरा गांधी जी कह रही हैं। नंबर तीन, शहीद भगत सिंह ने सावरकर जी की पुस्तक, जिसका जिक्र अभी अभय दुबे जी ने भी किया, 1857 पे लिखी पुस्तक का अनुवाद करवाया शहीद भगत सिंह जी ने। शहीद भगत सिंह जी वीर सावरकर की पुस्तक का सिर्फ अनुवाद नहीं करवा रहे, उस पुस्तक को बांट रहे हैं, अपने लेख में मतवाला में उनका जिक्र किया उन्होंने। तो या तो आप मुझे यह बता दीजिए कि सावरकर के संदर्भ में शहीद भगत सिंह गलत बोल रहे हैं, इंदिरा गांधी जी गलत बोल रही हैं, महात्मा गांधी गलत बोल रहे हैं, और राहुल गांधी सही बोल रहे हैं। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे जो भ्रम फैलाने की फैक्ट्री खोल के रखी है राहुल गांधी जी ने, इसका तो फाउंडेशन ही ऐसा हुआ था। अच्छा। फादर जॉर्ज पुनिया ने क्या कहा था भारत माता के बारे में, अभी परसों क्या हुआ था राष्ट्रगान के बारे में? गुरु प्रकाश, आदित्य ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर वो एमबीए छोड़ते हैं तो क्या उनका एनडीए में स्वागत है? गुरु प्रकाश देखिए, पुराने पुराने साथी हैं और शिवसेना का और हमारा पुराना संबंध रहा है, शीर्ष नेतृत्व निश्चित इस पे चर्चा करके एक निर्णय पे पहुंचेगा, लेकिन हमें लगता है कि हमारा तो सबका स्वागत है, जो भी हिंदुत्व में मानता है, राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है, हम उनका स्वागत करते हैं मानक। ओके।